अनुष्का को आया आयुष के ऊपर गुस्सा। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा भाग्य लक्ष्मी का। और वहीं एक तरफ आपको भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुष्का को आ चुका है गुस्सा आयुष के ऊपर। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ है, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि शालू और अनुष्का लड़ रहे होते हैं और इन दोनों को लड़ते हुए आयुष देख लेता है इन दोनों को। जी हाँ, वेल शालू तो आयुष को नहीं देखती है, लेकिन जो वहाँ पे अनुष्का होती है वो आयुष को देख लेती है और देखने के बाद आयुष वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, और फाइनली लड़ाई एंड होने के बाद जो अनुष्का होती है आयुष से मिलती है और आयुष से मिलने के बाद फाइनली उसको कहने लग जाती है कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं आए थे। वेल तुमने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तुमने देखा ना वो कैसे लड़ रही थी। तो वहीं एक तरफ जो आयुष होता है वो बहाने बनाना स्टार्ट कर देता है कि कौन लड़की, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। जी हाँ, तो लेकिन वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो वहाँ पे अनुष्का होती है वो बोल रही होती है कि मैंने खुद तुम्हें देखा है वहाँ पे, तुम थे वहाँ पे और तुमने खुद देखा है। जी हाँ, तो वहीं एक तरफ जो वो आयुष होता है वो बोलने लग जाता है कि मैं वहाँ पे क्या बोलता तुम दोनों लेडीज़ों के बीच में। वेल लेडीज़ों के बीच में मुझे मत घुसेड़ा करो, वेल मेरे को इस सबसे दूर रखा करो। जी हाँ, वेल मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है इन सब चीज़ों में मामलों में आना। वेल तुम एक कपड़े के लिए लड़ रही थी, तुम्हें खुद शर्म नहीं आते एक कपड़े के लिए लड़ रही थी। वेल दूसरा ले लेते, उस कपड़े को छोड़ देते, पता नहीं उस कपड़े में ऐसा क्या था कि तुम दोनों उस कपड़े के लिए लड़ने लग गए थे। जी हाँ, और वहीं एक तरफ जो आयुष होता है वो अनुष्का को बोल देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हो, प्लीज़ इतना ओवर रिएक्ट मत क्या करो। जी हाँ, और फाइनली ये कहने के बाद फाइनली वो वहाँ से चला जाता है। वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो।